फ्यूचर में आने वाली क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो भैया कभी भी मिस नहीं कर पाए। सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं जो शिबा इनू का जो ऑल द टाइम हाई था पैसों में यहां पर वो टूट चुका है और यहां पर 1.5x की और तेजी के साथ में ये ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। 18.96% का 24 घंटे में रिटर्न दर्ज किया गया है। 11 रंग पर आसानी से आ चुका है और टॉप 10 में आसानी से एंटर यह कर सकता है क्योंकि कोई भी चीज के पास में अगर टारगेट है तो लोग भी उसे यहां पर उस टारगेट पर पहुंचाने में जरूर मदद करेंगे। इसके बाद में देख लेते हैं कि भैया एक रुपए में हमें अभी यहां पर कितने कॉइन्स अवेलेबल हो रहे हैं। जहां पर देख सकते हैं एक कॉइन 1 रुपए में 271 कॉइन अवेलेबल हो रहे हैं। रात को हो रहे थे 290 और लगभग एक महीने पहले 2500 कॉइन अवेलेबल हमारे सामने हो रहे थे। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी लगभग 60% यहां पर प्लस में जनरेट हुआ है। मार्केट डोमिनेंस रात से अगर कंपेयर किया जाए तो 0.70 था और अब यहां पर 0.75% हो गया है और शिबा इनू यहां पर देख सकते हैं ऑल द टाइम हाई पर ही है, मतलब मात्र 0.84% नीचे रहा है अपने वापस ऑल द टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए। और शिबा इनू का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है भैया 30,40,806% तकरीबन यहां पर बढ़ चुका है। उसके बाद में बात कर रहे थे कि भैया यहां पर change.org की यहां पर पेटिशन के बारे में कि यहां पर इस पेटिशन में कितने सिग्नेचर्स हो चुके हैं और क्या इस सिग्नेचर के बाद में रॉबिनहुड इसको लिस्ट कर सकता है या नहीं। तो यहां पर देख सकते हैं भैया 3,28,000 से भी लगातार 667 संख्या पर इसमें सिग्नेचर हो चुके हैं जो यहां पर सबसे ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है। इसके यहां पर प्राइस में मूवमेंट आने के बाद में इसमें सिग्नेचर भी इतनी खतरनाक रूप से बढ़े क्योंकि कुछ लोग थे जिन्हें कभी भी ऐसा थी नहीं कि भैया रॉबिनहुड लिस्ट कर सकता है या फिर शिबा इनू उतना बढ़ ही नहीं सकता। कुछ हैटर्स थे लेकिन जब इतना परसेंटेज बढ़ा तो वो भी यहां पर सोचने लगे कि भैया थोड़ा सा और इसको हम सपोर्ट कर देते हैं और उस सपोर्ट की वजह से क्या पता थोड़ा और आगे यह निकल जाए। और देख सकते हैं उसी के कतार में लगातार यहाँ पर सिग्नेचर होते जा रहे हैं। 3,28,667 से 85 तक आ गए हैं और मेरे हिसाब से 700 भी अभी में क्रॉस कर देंगे और 5,00,000 सिग्नेचर होने के बाद में मेरे हिसाब से रॉबिनहुड की तरफ से कोई ना कोई रिप्लाई तो आना चाहिए क्योंकि 5,00,000 लोग अगर रॉबिनहुड पर पहले ही दिन शिबा इनू का लिस्टिंग होते ही अगर कुछ ना कुछ जस्ट लिटिल बिट भी अगर $1 का भी बाय करें ना तो भैया $5,00,000 होते हैं, बहुत 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 ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर रॉबिनहुड की जो मास्टर व्हेल्स है अगर उन्होंने अटैक कर दिया शिबा इनू पर तो आसानी से भैया मान सकते हैं कि हमें तकरीबन 1000% का पंपिंग और यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया कौन कौन से ट्विटर प्रोफाइल्स हो यहाँ पर शिबा इनू के साथ में और जुड़ गए, जैसे जैच हुपेरसिस है जो यहाँ पर लिखा गया शिबा इनू गोइंग टू द लिटरली मून शिब और यहाँ पर शिब इज डिलीटिंग जीरो दिस वीक। तो यहां पर कहा गया है कि शिबा इनू इस वीक में 1 जीरो को और डिलीट कर सकता है, हो सकता है वो डॉलर की तरफ से हो या फिर वो पैसों के मामले में हो क्योंकि दोनों ही मामलों में 1-1 जीरो को उन्होंने डिफीट कर ही दिया है। उसके बाद में देख सकते हैं भैया लिखा गया है शिबा इनू ने यहां पर इस महीने में 575% का पंप दिया है और उसी की वजह से यहां पर लोगों के पैसे में बहुत 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 ज्यादा तकड़ी वृद्धि हुई है। वाव शिबा इनू जो ऑन टीयर आई डबल्ड एयरली ऑन दिस फन और वन और फन। और यहां पर देख सकते हैं भैया इनके फॉलोअर यहां पर कितने हैं, 3.7 मिलियन यहां पर फॉलोवर है, बहुत 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 यहां पर ज्यादा होते हैं। तो ये थे हमारे सभी अपडेट अबाउट द शिबा इनू के भैया शिबा इनू का प्राइस प्रेडिक्शन कितना जा सकता है। कल रात वाली वीडियो में कुछ लोगों के आए $3, $1, 1 सेंट, 0.1 सेंट, जो सबसे कम प्राइस लिखता है ना उसके टारगेट के कंप्लीट होने की आशंका है, उनकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता सबसे ज्यादा है भैया। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।